हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फोर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आज के दिन में देखी गई है कितनी गिरावट हो सकती है उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे बट बिफोर दैट वो भी अगले वीडियो में बात करेंगे और इस वीडियो में हम बात करने वाले एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड जिसका नाम है यहाँ पर नाइन सेवन, सेवन कम्युनिकेशन लिमिटेड मतलब पेटीएम पेटीएम से रिलेटेड हम बातें करेंगे जानेंगे कि अभी हमें यहाँ पर उठाना चाहिए नहीं क्योंकि स्टॉक्स ऑलरेडी यहाँ पर लगभग थर्टी सिक्स परसेंट से ज्यादा यहाँ पर करेक्ट हो चुका है तो इट इज अ गुड टाइम और या फिर हमें अवॉइड करना चाहिए और सिलेटिव बातें बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली बेसिस से मिलती रहे बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं अपने फाइनल शेयर वाइज खुद की स्टडी करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें जितना हो सके हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे बनाई जाए और कभी भी यहाँ पर जब आपको प्रॉब्लम हो तो हम यहाँ पर आपके लिए हमेशा मौजूद रहे तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं देखिए आज के दिन में काफी सारे यहाँ पर क्वेश्चन आए जस्ट बिकॉज मार्केट गिर रही थी ओके तो अलग अलग यहाँ पर क्वेश्चन से लोग क्या है कि मार्केट क्यों गिर रही थी तो मार्केट okay, तो क्यों गिर, तो गिर रही थी उसके पीछे का क्या रीजन है क्या हो सकता है क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड तो कल सॉरी अगला वीडियो आएगा तो, तो हम बात करेंगे बट अभी बात करेंगे पेटीएम की तो आइए पेटीएम की तरफ यहाँ पर चलते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेलाइकन को हिट जरूर कर लीजिएगा तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें, वन कम्युनिकेशन यहाँ पर जो पीटीएम का आईपीओ है यहाँ पर कितना लगभग लगभग हम यहाँ पर देखें, तो लगभग यहाँ पर थर्टी परसेंट यहाँ पर ट्वेंटी नाइन परसेंट दिखा रहा है तो ऑलरेडी यहाँ पर जो प्राइस था वहां से ऑलरेडी बहुत ज्यादा यहाँ पर करेक्ट हो चुका है और यहाँ पर 1280 के आसपास पास यहाँ पर शेयर आता हुआ दिखाई दिया तिहत्तर तो शेयर यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर करेक्ट हो चुका है और काफी अच्छा यहाँ पर करेक्ट हो चुका है जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे फिफ्टी थ्री परसेंट यहाँ से दिखाई दे रहा है और अगर हम यहाँ पर से कैलकुलेट क्या, करें तो लगभग फोर्टी टू परसेंट यहाँ पर से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर रिटर्न बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि यहाँ पर आया था तो देखिए हमें अभी यहाँ पर पोजिशन लेनी चाहिए या नहीं जबकि यहाँ पर ये शेयर लगभग

ओके okay, पे पेपैल पे 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 भी, पे पे भी, पे भी आता हुआ दिखाई दिया और डिफरेंट डिफरेंट मोबी क्यूक और अलग अलग यहाँ पर ये सारे के सारे ये पेमेंट वाले ऐप जो कि डिजिटल वर्ल्ड से यहाँ पर कम्युनिकेट करते तो ये आते हुए दिखाई दिए जो कि डिजिटल हम यहाँ पर हमने बहुत ज्यादा यूज भी किया है और इंडिया ने यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर पैसे भी इस बार यहाँ पर यूपीआई के थ्रू होते हुए ट्रांजेक्शन होते हुए दिखाई दिया जैसे कि आपने पढ़ा भी था तो यहाँ पर देखिए तो पेटीएम एक पूरा का पूरा एक पैकेज है एक एक पूरा पूरा एक पूरा 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 का बात करें ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर आप मूवी टिकट फ्लाइट टिकट बस ट्रेन कार यहाँ पर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स यहाँ पर आई वगैरह आपको करना है डीमेट आपको यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है एज वेल एज यहाँ पर किसी को अपने रेंट पे करना है इलेक्ट्रिसिटी पे करना है यहाँ पर किसी भी तरह की, की पेमेंट गैस की पेमेंट करनी है या या फिर आपको मोबाइल का रिचार्ज करना है एक दूसरे से पैसे यहाँ पर ट्रांसफर करने हैं और भी यहाँ पर कई कार्ड की पेमेंट करनी है रेंट पे करना है ये सारे के सारे यहाँ पर आपको एक प्लेस पे मिल जाएगा आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है या आपको जो भी यहाँ पर करना है आपको डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे जाके यहाँ पर डोमिनोज का ऑर्डर बुक करना है या फिर आपको इनकी खुद की एक शॉपिंग शॉपिंग का भी एक रखा एप, दे, दे है कुछ आपको कुछ बुकिंग करनी है वो किसी भी तरीके की ट्रांजेक्शन करनी है वो यहाँ पर एक पूरा का पूरा आपको दिखाई देता हुआ नजर आता है तो क्या हमें यहाँ पर बुक करना चाहिए यहाँ पर ये यह शेयर को खरीदना चाहिए कि नहीं इससे पहले यहाँ पर जान लेते देखिए अगर हम बात करें हंड्रेड परसेंट में से लगभग एट परसेंट तक के आसपास की मैंने so बताया कि और भी प्लेटफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट पर ऑलरेडी मौजूद है तो यहाँ पर लोग गूगल पे भी करना चाहते पसंद करते पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा कैशबैक भी दिया करता था अब इसने कैशबैक देना बंद कर दिया बट स्टिल अगर हम बात करें तो गूगल पे स्टिल आज भी यहाँ पर क्या

काफी ग्रोइंग है are, काफी promising है बट कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन भी मैटर करता है तो यहाँ पर बात करें यहाँ पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है यह, बेशक से ये ही नहीं और बाकी के जितने भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म है सब ये सर्विसेज सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए दिखाई देते हैं तो यहाँ पर सिंपली uh, अगर हम यहाँ पर देखे तो कंपनी कम्प, का अगर हम फाइनेंशियल देखते हैं तो उसी से हमें पता चल जाता है कि हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं देखिए मार्केट कैप की बात करें एक लाख एक हजार एक सौ तिरासी करोड़ मतलब यहाँ पर इतना महंगा एक आईपीओ आता हुआ दिखाई दिया था ओके इसके अलावा आर की बात करें

आ, तो यहाँ पर चार्ट की और भी कुछ फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट अभी आएंगे तब देखेंगे बट अगर बात करें इयरली बेसिस पे तो 2016 17 18 19 20 और 21 तक के यहाँ पर साल के फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पर हमारे पास डेटा मौजूद है तो अगर हम देखें तो पेंडेमिक से पहले तक यहाँ पर इनकी जो सेल्स है वो यहाँ पर ज्यादा होती हुई दिखाई देती थी नो डाउट और दो में यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दी है बट यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो देखेंगे तो यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है और अच्छा खासा और यहाँ पर जो नेगे और अभी भी देखिए 1560 करोड़ का यहाँ पर नेगेटिव नेट प्रॉफिट है तो यहाँ पर जब यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर चीजें दिखाई देती है ना तो यहाँ पर आ बड़े बड़े आपको छोटे आप इन्वेस्टर्स या रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं हमें तो हम यहाँ पर ज्यादा पैसा एक एक्चुअली मार्केट में लेके आते नहीं और उसमें भी अगर हम रिस्क यहाँ पर इतना ज्यादा लेते हुए दिखाई देंगे ओके कंपनी ने पंद्रह सौ करोड़ का यहाँ पर दो में भी यहाँ पर लॉस दिखाया था पंद्रह का अभी भी यहाँ पर अगर बात करें दो में भी छह साल के बाद भी यहाँ पर इतना ही बल्कि इससे भी ज्यादा यहाँ पर लॉस दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना एक बेवकूफी वाला काम हो जाएगा हमने अभी एक देखा था कार कार ट्रेड का कार ट्रेड के साथ हमारे साथ कैसा हुआ ने देखा भी कि चीजें जाती हुई ऊपर दिखाई दी बट कंपनी ने जो इसके रिजल्ट आए थे क्वार्टरली वो यहाँ पर नेगेटिव आए थे और जस्ट बिकॉज़ ऑफ नेगेटिव रिजल्ट आए थे तो हुआ क्या था कि पूरी कहानी चेंज हो गई थी ये शेयर आज तक गिरता हुआ नजर आता है रिजर्व्स की बात करें बट हमने एक हमारी जो स्ट्रेटजी होती है कि हमें किसी भी पोर्टफोलियो में हमें बेशक से हम रिस्क स्टॉक भी ले रहे हैं तो हमें इतना ही पैसा लगाना है कि हमारे पोर्टफोलियो पे असर ना करे और ज्यादा हमें पैसा लगाना नहीं है तो उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमने केवल इतना ही पैसा लगाया कि कल की डेट में अगर वो थोड़ा वो अगर फिफ्टी परसेंट भी गिर जाता है तो एटलीस्ट

तो यहां पर इन्वेस्ट करना अभी कोई फायदेमंद वाली बात नहीं है ओके और और अगर किसी को अगर यहां पर करना है तो यहां पर बायोन डिप्स की हमेशा रणनीति अपनाइएगा शायद शायद देखिए मार्केट में गिरावट हुई है आज की डेट में तो इसके कारण भी ये हो सकता है कि ये तेरह चौदह परसेंट नीचे आ गया है बट पहले दिन भी ये नीचे आ गया था आपको पता है पहले दिन भी नीचे आया दूसरे दिन भी यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है तो मार्केट की प्रेशर की वजह से भी एज एज वेल पर वैल्यूएशन ज्यादा थी इसकी वजह से भी ये शेयर नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है तो अगर किसी को यहाँ पर शॉर्ट टर्म का नजरिया है शॉर्ट टर्म इन देंस शॉर्ट टर्म मतलब नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट तक अगर नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट तक का अगर कोई वेट करना चाहता है तो उसके या तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहेगी हमें पता चल जाएगी कि

तो अगर किसी को यहाँ पर खरीद कोई खरीद भी रहा है ना तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइएगा सारा का सारा पैसा यहाँ पर एक साथ मत लगाइएगा क्योंकि तो मैं वॉल्यूम देख रहा हूं कि दस लाख बेचने वाले हैं तो छह सात लाख यहाँ खरीद भी रहे हैं लोग तो उस चीज को देखते हुए थोड़ा सा देखिएगा क्योंकि ये मार्केट में अगर आप अभी देखेंगे ना तो इतने बेहतरीन स्टॉक्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे कि इसमें रिस्क लेने की जगह उसमें आप पैसा डालेंगे ना तो उसमें पता है कि सुनो रिलेटेड हमारा पैसा बनता हुआ नजर आएगा तो इसे बिल्कुल ही अवॉइड करें और दूसरे शेयर जो कि हमें गिरते हुए नजर आ रहे हैं ना उनकी तरफ फोकस करो उनमें टिप्स करो और जब पे वो मार्केट ऊपर जाएगी ना वो शेयर सबसे पहले ऊपर जाएंगे और वहां हमारा अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइन शेयर वैजा खुद की स्टडी करें मार्केट क्यों गिर रही है मार्केट के पीछे कितनी गिर सकती है क्योंकि एक बड़ा अगर बात करें हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है उसमें और ज्यादा गिरावट के चांसेस रहते हैं तो उसे हम देखते हैं वो जो कि अगले क्वार्टर में हम बात करेंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इस यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दूसरी वीडियो को जाकर देखिए और हमसे कॉन्टेक्ट करना है तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस